Hello guys, welcome to all of you to the YouTube channel NYT Solution and Crystal Knowledge with Tips and Tricks also. दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारे पास एक बहुत ही शानदार रियल एस्टेट की वेबसाइट है जिसमें कि आप रेंट सेल के लिस्टिंग कर सकते हो, है ना। एक्चुअली वेबसाइट मैंने ही बनाया है, सो आई होप कि आप लोग को पसंद आए। तो इसका टूर हम लोग चलिए शुरू करते हैं, जिसमें कि आपको पहले वेबसाइट को दिखाया जाता आते हैं, जिसमें कि पहला आप जो रेंट सेक्शन है, इस रेंट सेक्शन में जो एडमिन है, जो इस वेबसाइट का ऑनर है, वो भी अपना प्रॉपर्टी पोस्ट करते हैं। दूसरा में जो ऑनर्स होते हैं, जो आपके बिल्डर हैं, जो आपके एजेंट हैं, वो भी साइन अप करके अपना प्रॉपर्टी पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रेंट सेक्शन हुआ, जिसमें कि आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन और लुक बहुत शानदार है, और इस तरह से ये टोटल नीचे की ओर हॉवर होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ये रेंट सेक्शन आपका सेम टू सेम बाय सेक्शन भी है, तो काफ़ी सारी प्रॉपर्टी अभी के टाइम में लिस्ट की हुई है। आप चाहो तो ये URL कॉपी पेस्ट करके आप तुरंत वेबसाइट को चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि ये स्लो होने की वजह है थोड़ा नेट है, और इसके प्रॉपर्टी काफ़ी सारा डाला हुआ है, जिस वजह से तो आप URL को फॉलो करो, अपने वेबसाइट से ऑन करो, आपका पूरा इसका डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही शानदार लुक है। बट आप लोगों को या मेरे जो कस्टमर जिन जो इनको वीडियो को देख रहे हैं, जिनको अगर इस तरह का चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है, आप वहाँ से कॉल कर सकते हैं। आप देखो स्लोली स्लोली ये खुल रहा है। तीसरा एजेंट है दोस्तों, इसमें एजेंट में क्या है कि लोग अपने आप को एज ए एजेंट जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ से खुद को जोड़ सकते हैं, ठीक है, उससे खुद को जोड़ सकते हैं। साथ ही साथ एडमिन पैनल में भी एजेंट को ऐड करने का ऑप्शन दिया गया है, बट वो चार्जेबल है। चार्जेबल इसलिए है कि कुछ और एजेंट जो टॉप पे रहना चाहते हैं, जो फर्स्ट नंबर पे दिखना चाहते हैं, उनके लिए ये चार्जेबल है। ओके, तो यहाँ से एजेंट काफ़ी खुल रहा है, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। इसको कॉपी पेस्ट करके अपने क्रोम ब्राउजर में से ओपन कर सकते हैं, तो यहाँ से एजेंट ओपन हो जाएगा। क्या है कस्टमर सपोर्ट में कुछ नहीं, जो वेबसाइट्स रिलेटेड मान लीजिए किसी को अगर इश्यू है, तो वो अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर एंड मैसेज टाइप करके वो सेंड कर सकता है, जिससे कि वो एडमिन के पास चला आएगा। वहाँ से वो वहाँ एजेंट या सॉरी जो एडमिन होगा उस चीज़ को देख सकता है, और आपको कॉल बैक करके आपको सपोर्ट ऑनलाइन दे सकते हैं। ओके, तो यहाँ से एक एजेंट का फुल पैनल चल जाता है। आप देख सकते हो कि आपकी इसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। जैसे जैसे एजेंट लिस्ट होते जाएंगे, वो अपना नीचे कॉल करता हुआ अपना एक जगह बनाता हुआ चला आएगा। यहाँ पे एजेंट का जो बिजनेस का नाम होगा, वो ऑफिस एड्रेस, वो क्या फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगा, चाहे रेंट हो चाहे सर्विस, सब कुछ एडमिन से हैंडल किया जा सकता है। उसको ऐड डिलीट, उसको अपडेट किया जा सकता है, ठीक है। कॉलर्स पे जब कॉल करेगा, मान लीजिए कोई विजिटर आया, कोई कस्टमर आया, वो चेक करेगा, उस एजेंट को, उस एरिया के एजेंट को डायरेक्टली कॉल भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब ठीक है। देन अगर आपका कस्टमर सपोर्ट है, कस्टमर सपोर्ट में कुछ नहीं, नॉर्मल सा फॉर्म है, बट इसे और एडवांस बनाया जा सकता है। लाइक कि आपको इस वेबसाइट पर आने के बाद कोई रेंट का या फिर बाय का कोई प्रॉपर्टी नहीं आता है, तो आप यहाँ पे अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर एंड डिस्क्रिप्शन में आपको क्या चाहिए, किसका प्रॉपर्टी चाहिए, आप उसको सबमिट कर दो। एडमिन आपको आपके अकॉर्डिंग फिल्टर करके आपके लायक जो भी रेंट या बाय की इंक्वायरी है, वो आप तक पहुँचा देगा, ठीक है। तो यहाँ तक ठीक है। अबाउट अस में कंपनी के बारे में जो जानकारी है वो आप देख सकते हो, बाकी फिल्टर का जो लुक है ये आप देख सकते हो, यहाँ पे सारे सोशल मीडिया आइकन्स हैं। मेरे जो भी कस्टमर इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको वेबसाइट चाहिए, आपको मिल जाएगा, आपके कस्टमाइज के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। पर्सनैलिटी ऑल एंड हर एक वेबसाइट ही रहती है, ओके, बट आपकी भी जो रिक्वायरमेंट होगी वो ऐड कर दिया जाए। तो हम लोग आ जाते हैं अपने मेन पैनल पे, थोड़ा सा मेन पैनल को और समझते हैं। मेन पैनल में एक फ़ोटो बहुत ही सही तरीके से, जो इसका लुक है वो ठीक है, और बीच में ही एक सर्च पैनल दिया हुआ है। इस सर्च पैनल में आप सबसे पहले अगर कोई बंदा
सेलेक्ट कर रहा है, चाहे वो रेंट से हो चाहे सेलेक्ट से हो कोई मतलब, तो अगर डालता है तो वो सर्च करने पर उसको शो होता है। तो यहाँ से वो प्रॉपर्टी शो हो जाएगी एंड देन उस पर क्लिक करके वो अंदर आ जाते हैं अपने मेन पैनल पे। तो वो ये सर्च है, सर्च में आप किसी भी तरह से रेंट आप अपने कस्टमर को तरह से उसको करा सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्या है ना, कुछ प्रॉपर्टी आप देख रहे हो रेंट के लिए एक स्पेशल सेक्शन ही एक्चुअली में वही प्रॉपर्टी शो होती है जो टॉप 10 होता है और जो एडमिन चाहता है, नॉट एजेंट नॉट ओनर नॉट बिल्डर ठीक है उसका नहीं। यहाँ पे प्रॉपर्टी बाय प्रॉपर्टी अपार्टमेंट प्रॉपर्टी है तो अपार्टमेंट प्रॉपर्टी कुछ चाहिए तो अपार्टमेंट क्लिक करेगा तो अपार्टमेंट होगा, हाउस से रिलेटेड तो हाउस से, विला से रिलेटेड तो विला से, अपार्टमेंट अपार्टमेंट। बट फिलहाल जो अभी बना हुआ है वो सिर्फ आई थिंक ऑफिस का बना हुआ है कि अगर कोई बंदा ऑफिस से रिलेटेड प्रॉपर्टी सर्च करता है तो उसे प्रॉपर्टी ऑफिस से रिलेटेड ही देगा। नेट का काफी इशू है, सॉरी। आप प्लीज यूआरएल अपनी क्रोम पे ओपन कीजिए, आज मुझे पता नहीं था मैं रिकॉर्ड नहीं करते। और उसकी पूरी फंक्शनैलिटी को देखिए, अगर आपको लगे आपको कुछ ना समझ पाए तो कभी भी कॉल कर सकते हैं, उसके लिए आप सुन रहे हैं आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर भी सेम एज इट इज वही है भाई, सेल की प्रॉपर्टी जैसा यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सेल भी टॉप 10 होगा टॉप 15 होगा जो आपके अनुसार भी होगा। यहाँ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यहाँ बिल्डर प्रोजेक्ट है दोस्तों। बिल्डर तो खास क्या होता है कि बिल्डर का एक ओनर जैसा कुछ होता नहीं है, तो अपना एक बिल्डर होता है, बिल्डर प्रोजेक्ट होता है, तो वो जब साइन अप करेगा यहाँ पे ना एज अ बिल्डर तो वो अपना प्रॉपर्टी यहाँ पे दे सकता है। यहाँ से बिल्डर है साइन अप साइन अप करेगा, अपने यूजर नेम डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा, कॉन्टेक्ट डालेगा, पासवर्ड डालेगा, ये सब डालने के बाद जैसे वो साइन अप करेगा तो एक लॉगिन पैनल वहाँ से आ जाएगा। ठीक है तो ठीक है हम करके देखते हैं। हाँ सर एजेंट होगा सर एजेंट ईमेल आईडी डालते हैं होगा कि आपका रजिस्टर हो जाएगा ओके। अब क्या होगा कि आपका एक यहाँ पे अकाउंट बन चुका, अब यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी डाली या फिर यूजर नेम पिछला डाला था और पासवर्ड में 123 डाला था। और याद रखिएगा ये एजेंट जो है आप चाहो तो ऑनर को ना ओनर और एजेंट को एक ही तरह की फैसिलिटी दी गई है। जब भी दोस्त मेरा ये वीडियो देख रहे हैं जब भी अगर आप किसी का वेबसाइट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आओ, अपना नंबर कमेंट करो या फिर मेरे नंबर पर कॉल करो। अब थोड़ी आपके फायदे की बात किया जाए, जो भी ये वेबसाइट परचेस कर रहे हैं उनको तो लीड मिलेगी जब आप प्रॉपर्टी आप लिस्ट करोगे, कोई भी आपके वेबसाइट पे आएगा अगर उसको आपकी प्रॉपर्टी या आपका काम पसंद आता है तो आपका रेंट बाय का प्रॉपर्टी देखता है उसको ठीक लगता है तो आपको बिल्कुल डालेगा। ठीक है मान लीजिए कि आपने एज अ एजेंट साइन अप किया तो आप यहाँ पर रेंट के लिए सारा अपना प्रॉपर्टी लिस्ट करो, जो भी चीज़ें हैं बॉक्सेस हैं उसमें फोटोज डालो एंड देन सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि आप यहाँ पे रेंट डिटेल, चूँकि रेंट भर रहे हो तो रेंट डिटेल में कहा कि यहाँ पे आपका सारा रेंट का सेक्शन दिख जाएगा। ठीक है यहाँ पे सारा रेंट का सेक्शन दिख जाएगा। जब आप सेल के लिए भी एज इट इज सेम मतलब फॉर्म फिल करोगे जैसा कि रेंट के लिए किया है, यहाँ पे आप यहाँ पे सेल पे क्लिक करो, सेल पे क्लिक करने वाले स्क्रीन बॉक्सेस ऑब्वियसली थोड़ा रेंट से डिफरेंट होता है, डालने के बाद आप रेंट पे आपका सारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। साथ ही आप उस प्रॉपर्टी को खुद से डिलीट भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप जब फिल करोगे ना तो एक डिलीट का ऑप्शन कर सकते हो। जब रेंट इंक्वायरी मान लीजिए आपने कोई प्रॉपर्टी डाला और आपका प्रॉपर्टी मेन वेबसाइट के रेंट सेक्शन पे अगर दिखता है तो आपका अगर कोई रेंट वो इंक्वायरी करता है तो वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। मान लीजिए कि चलिए मैं आपको दिखाता हूँ